पहले हेलो करो, हेलो कर दो. हेलो ऐसे नहीं, हेलो मुंह से, कान से नहीं हेलो करना, फोन पे थोड़ी है कोई. अच्छा चलो फिर बाय बाय कर दो ना, फिर मैं आपको जाने दूंगी. बाय बाय कर दो. पप्पी भी देनी है? ओए मिठा भी देना है? नहीं मिठे शेर मेरे लिए है. नहीं मिठे शेर मेरे लिए है, अब मिठे मेरे लिए है. मिठे शेर मेरे लिए है. अब्बा के लिए भी नहीं है, अम्मा के लिए बस. चलें जी अब ग्रीन टी बनाते हैं. मैं कोशिश करती हूँ दिन में 2 कप पी लूँ, हाफ हाफ, लेकिन कभी एक भी हो जाता है, कभी 2 हो जाते हैं, और कभी कभी मैं स्किप भी कर देती होती हूँ. ठीक है, ये जी स्लिमिंग टी आ गई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में. दूसरी है जी कैमोमाइल टी आ गई, इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा है. और तीसरी आ गई जी मोरिंगा. ये 3 सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ, बाकी आगे आप लोग वीडियो में देखेंगे. बेशुमार बेतहाशा फ्लेवर्स मैंने एक दफ़ा ही ऑर्डर कर लिए थे कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बदल बदल के. अगर ग्रीन टी किसी को पीने की आदत है, अंदर थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं और हल्का सा लेमन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं करती, मेरे लिए ग्रीन टी ही काफ़ी होती है. ये देखें जी इस तरह साशेज आते हैं. अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं तीनों टी का, ये जी मैं इकट्ठे रख रही हूँ, आप लोग ले सकते हैं. बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कोई फ्लेवर पसंद है, किसी को कोई फ्लेवर पसंद है. मुझे ये तीनों बड़े अच्छे लगते हैं बिना, एकदम सुकून आया था और एडिक्शन हो गई है मुझे इतनी ज़्यादा ग्रीन टी की ना. आप लोगों ने देखा होगा हर वक्त इंस्टाग्राम पर मैं ग्रीन टी पी रही हूँ. ग्रीन टी बना ली, मैं स्टूडियो में आ गई. अब हम ग्रीन टी पियेंगे, साथ साथ कॉन्टेंट सोचेंगे, क्योंकि 2-3 कोलेबोरेशन आई हुई थी कपड़ों की, मैं कॉन्टेंट सोच रही थी. चले जी वीडियो की तरफ. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे. आज की वीडियो है जी मैंने वेट लॉस किस तरह किया. ये जी इस तरह नहीं है कि यू मरियम ने चुटकी बजाई और मरियम का वेट लॉस हो गया. जब दाइम डिलीवर हो गया था मेरा वजन था जी 79 kgs, और जब कुछ खा लेती थी तो 80 kgs हो जाता था. ठीक है 79-80 kg, और अब जो मेरा वजन है 62.2, अभी मैं वेट करके हटी हूँ, 62.2 आया है. अगर कुछ खा लूंगी तो 73 kgs हो जाएगा, वो जो स्केल पे हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाता है. अच्छा अगर आप लोगों ने वेट लॉस करना है, हेल्दी वे में वेट लॉस करना है, तो आप लोगों को टाइम लगेगा. मुझे इस साल का टाइम लगा 79 से 62 में आने के लिए, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे दोनों सी सेक्शंस हुए थे और मुझे डाइट भी करनी थी, हल्की हल्की एक्सरसाइज भी करनी थी, वॉक भी करना था, बच्चों को भी देखना था, अपना काम भी रखना था, मुझे एनर्जी भी चाहिए थी. एनर्जी के लिए प्रॉपर तरीके से वेट लॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर जी प्रॉपर तरीके से वेट लॉस नहीं किया जाएगा तो हम हो जाएंगे फुस, फिर कोई फाइट नहीं होगी. किसी को सुनछुन मारना हो तो आप लोगों को प्रॉपर आपके जिस्म पे जान होगी तो किसी से लड़ा जाएगा. अच्छा एक इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोग की बॉडी के अंदर जान नहीं है ना तो आप लोग इमोशनल भी बहुत कमजोर हो जाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जो लड़की और लड़का बहुत नन्हे मुन्ने से, जिनके अंदर जान इतनी नहीं होती, उनकी डाइट इतनी ज्यादा नहीं होती, उनको कुछ कह दो फौरन उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं. जो लोग जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग होते हैं ना, वो इमोशनली और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं. सिर्फ आप लोग को स्ट्रांग जिस्मानी तौर पे नहीं होना, इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए भी आप लोग को प्रॉपर डाइट अपनी अच्छी रखनी है. डाइट अच्छी है नहीं पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, फैंसी रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, अच्छी हेल्दी डाइट खानी है. अगर सूखी रोटी भी खा रहे हैं ना तो आप हल्का सा शहद लगा के खा ले, दूध होना चाहिए, दही साथ होना चाहिए. ये तो हर कोई खा सकता है, ठीक है जी, जरूरी नहीं है बर्गर पिज्जे खाने हैं. आज का जी मेन टॉपिक होगा ग्रीन टी. मैं कौन सी ग्रीन टी पीती हूँ सब आप लोगों को दिखा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी जहां से मैंने सारी ग्रीन टी ऑर्डर की थी. अगर आप लोग लेना चाहते हैं बेफिक्र होकर यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, जबरदस्त ग्रीन टी है, हर फ्लेवर इनका बड़ा अच्छा है. अच्छा ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन पता क्या था? मुझे 3-4 दिन पहले टेक्स्ट आया, आपी जी मैंने ग्रीन टी ना पीनी शुरू कर दी है और मेरे वजाइनल ड्राइनेस हो गई है. फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ना कितने ग्लास दिन में ग्रीन टी ये पीते? कहती 6. मैंने कहा 13 पट्ठा बह जाए ग्रीन टी के 6 ग्लास वजाइनल ड्राइनेस, क्या हर चीज की ड्राइनेस हो जाए? कहती अब किसी तरीके से कोई हल नहीं निकल रहा, डॉक्टर पास चले गए, कुछ नहीं हो रहा. मुझे अपने 10th क्लास की बात याद आ गई. 10th क्लास में ना नई नई डाइटिंग का रिवाज शुरू हुआ था करने का, पहले इतना ज्यादा नहीं था. 10th क्लास में जब हम थे ना, हमें नई नई डाइटिंग का जुनून चढ़ा था. हम लोगों ने भी ऐसी ग्रीन टी पीना शुरू कर दी थी और मुझे याद है मुझे भी वजाइनल ड्राइनेस हो गई थी और बहुत बुरी होती है ना, दिन को सुकून ना रात को करार, बेचैन जिस तरह मोहब्बत हो जाती है ना. और जब वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है ना ग्रीन टी की वजह से, दवाइयां भी असर नहीं करती, कोई ट्यूब असर नहीं करती. फिर एक टोटका असर किया था मुझे, मेरी फैमिली डॉक्टर ने बताया था, वही टोटका मैंने उस लड़के को बताया, उसको आराम आया. आप लोग साथ भी इंशाल्लाह ताला जल्दी शेयर करूंगी, अगर जिसको इशू होगा खत्म हो जाएगा. अच्छा ग्रीन टी बहुत फायदेमंद है, मैं रोज
रोज रात को बिला नागा पीती हूँ। रात को मैं 15 मिनट या 10 मिनट ट्रेडमिल करती हूँ, ट्रेडमिल नहीं करनी, 10 मिनट वॉक करती हूँ। उसके बाद रात सोने से पहले मैं ग्रीन टी पीती हूँ, सिर्फ इतना ग्लास, ठीक है, भर भर के ग्रीन टी के ग्लास नहीं पीने, इतना ग्लास। सपोज हमने पानी बॉयल कर लिया, उसके अंदर ग्रीन टी का साशे डाल दिया। अच्छा मैं एक साशे निकालती हूँ, अगर इसके अंदर हो, ये देखिए ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है मेरा। ये हमने जी एक साशे निकाल लिया, मैं खोल लेती हूँ। अब हमने ये गर्म पानी है ना इसके अंदर डाला कुछ सेकंड के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड अंदर डाला। अब फिर हमने 7 dips करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट्स इट। इसको निकाल देना, इसको हमने इसके अंदर पड़े नहीं रहने देना। पानी गर्म है, इसके अंदर पड़ा रहे 15 से 20 मिनट गुजर जाए फिर हम पिए, नहीं। सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता, हमें भी किसी ने सही तरह गाइड किया था तो आज मुझे पता है। इसलिए काफी लड़कियों को नहीं पता होगा इस चीजों का। मैं स्पेशली वीडियो में मैं सिर्फ ग्रीन टी के डब्बे भी आप लोगों को दिखा सकती थी कि मैं कौन कौन से पी रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग सही तरीके से पिए, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, ना पीरियड्स का नुकसान हो, ना आप लोगों को वजाइनल ड्राइनेस हो, आप लोग जिस मकसद के लिए पी रहे हैं आप लोगों को वो अचीव हो जाए, ठीक है। हम लोगों ने 7 पहले 5 सेकंड वैसे ही रखा, फिर 7 dips किए, हमने टी बैग निकाल के साइड पे रख देना है, फिर ग्रीन टी को हमने पीना है सिप सिप करके, एक सांस में भी नहीं पी लेना, सिप सिप करके। अच्छा इस लेमन टी की स्मेल इतनी अच्छी है, स्ट्रॉबेरी। हाँ जी, अब मैं आप लोगों को जी बारी बारी दिखाती हूँ। अच्छा मैंने इतने ज्यादा ऑर्डर कर लिए थे, अम्मी मुझे बोल रही थी कि इतने ज्यादा क्यों ऑर्डर किए, और एक दफा मैंने ऑर्डर कर लिए थे, मेरे ख्याल 4 या 5 महीने पहले मैंने ऑर्डर किए थे, अभी तक मेरे चल रही है, काफी ज्यादा मैंने ऑर्डर कर लिया है, रोज बदल बदल के पीती, बड़ा मजा आता है। बस इसके अंदर भी 2-3 रह गए, खड़क रहे। अच्छा लेवेंडर, उसके बाद है जी ये लेमन जिंजर, फिर ये आ जाता है रोजमेरी, ये भी जिंजर विद हनी है ये, और ये कौन सा, ये स्लिमिंग टी है। अच्छा स्लिमिंग टी ना मैं रोज नहीं पीती हूँ, एक दिन स्लिमिंग टी, 2 दिन इनमें से कोई, फिर क्या स्लिमिंग टी, फिर 2-3 दिन गैप डाल देती हूँ, फिर स्लिमिंग टी, फिर इस तरह गैप गुप डाल देती हूँ। स्लिमिंग टी मैंने 2 ऑर्डर की थी, बाकी मैंने कोई एक ऑर्डर किया था, कोई 2-2 ऑर्डर किया था, मैंने कहा एक दफा ही ऑर्डर कर लेती हूँ, पीने तो रोज ही होते हैं। अच्छा ये देखिए इस तरह बॉक्सेस में आते हैं, प्रॉपर साशेज हैं, बड़े जबरदस्त रहते हैं। अब जी सबके क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया है, आप ये अब कौन सी ग्रीन टी पीते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि मैं इतनी ज्यादा फ्लेवर्स की पीती हूँ कि मैंने कहा यूट्यूब पे प्रॉपर आप लोगों को सारा कुछ दिखा दूंगी। और जी ये था जी। और अच्छा स्लिमिंग टी के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि स्लिमिंग टी से क्या होता है, आप लोग कोई भी स्लिमिंग टी लें तो आपके पेट में थोड़े से मरोड़ वगैरह उठते हैं और आप लोगों को फौरन वॉशरूम आ जाता है। कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं मरोड़, कुछ लोग नहीं करते, इसलिए एक दिन छोड़, एक दिन का गैप दे दे, 2 दिन का गैप दे, 3 दिन का गैप दे दे, रेगुलर नहीं स्लिमिंग टी लेनी चाहिए। 2-2 गैप, 2-2 दिन के गैप से, 3-3 दिन के गैप से आप लोग को ग्रीन टी लेनी चाहिए, अगर सूट कर जाए, अगर सूट कर जाए तो आप लोग 2 दिन के गैप से ले सकते हैं, वरना इसको सिप कर दे। इतनी ज्यादा फ्लेवर्स हैं, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। ग्रीन टी से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है, एकदम सुकून आ जाता है जिस्म को, गर्म पानी जब अंदर जाता है। अच्छा अब मुझे तो आदत हो गई है, अब मैं अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ, मुझे आदत हो गई इतनी ज्यादा ग्रीन टी की कि अगर मैंने ग्रीन टी नहीं भी मुझे मिलती मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, कि मुझे सिर्फ गर्म पानी का एडिक्शन हो गई है बहुत ज्यादा। ये दीजिए आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये सैक कंपनी की है ग्रीन टीज, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो आंखें बंद करके ऑर्डर कर सकते हैं, सब फ्लेवर्स ही बड़े मुझे अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये मुझे दुआ में याद रखिएगा, आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो कौन सी चाहिए, डाइट पे चाहिए, एक्सरसाइज पे चाहिए या फेस एक्सरसाइज पे चाहिए। देखिए आज के भी डबल चिन भी बड़ी स्लीक हुई हुई है, एक तो मेरा मुंह छोटा नहीं होता। चल छोड़ो, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।